गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया था। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने मायके आ रखी हूँ, तो यहाँ पे डेली रूटीन तो ऐसा कुछ ऐसा रहता नहीं है, सिर्फ बच्चों में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो उसको क्या शेयर करूँ इसलिए मैं शेयर नहीं करती। बट आज कुछ डिफरेंट डे था इसलिए मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। कृष्णा जी बनूंगा। मेरे स्कूल पे ना कृष्णा जी का बनने का रूल था। रोल? हाँ, कृष्णा जी का रोल बन करना था एंड गेटअप करना था कृष्णा जी का। तो जैसे सबको आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी है 2-3 दिन के बाद। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं कब है। तो क्या बोलते हैं इसके स्कूल में फिर हॉलीडेज पर 30 अगस्त। तो फिर इसके स्कूल में हॉलीडे रहेगी, लाइक कल सैटरडे को भी हॉलीडे रहती है एंड संडे को भी रहती है एंड मंडे को भी छुट्टी है। तो इसलिए आज सेलिब्रेट कर रहे थे जन्माष्टमी इसके स्कूल में। तो आज सब बच्चों को कृष्ण जी का गेटअप लेना था एंड कुछ भी एक्टिविटी कराना था, लाइक कृष्ण लीला टाइप का कुछ भी। राधा कृष्ण है अगर साथ में तो उन लोग की रास लीला, या सिर्फ कृष्ण बनाए आपका बच्चा तो उन लोग को डांस करा सकते हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटी थी जन्माष्टमी की। तो बस मैं अभी चीकू को सुबह मैंने रेडी कर दिया था। बहुत ज़्यादा काम था सुबह, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ काम नहीं था बट पूजा करनी थी पहले, तो जल्दी से रेडी होके पूजा करने बैठे एंड उसके बाद चीनी की क्लास तो शुरू हो ही गई थी, उसके बाद चीकू की क्लास भी शुरू हो रही थी। तो फिर उसको भी कृष्ण जी के गेटअप में रेडी करना था एंड क्या बोलते हैं उसकी भी क्लासेस होने वाली थी शुरू ऑनलाइन। तो बस इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में सुबह करना पड़ा था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैं चीकू को अभी रेडी करके दिखाऊंगी कि आप एकदम मिनिमम प्रोडक्ट्स में आप अगर कृष्ण जी का गेटअप देना चाहते हैं बच्चों को तो कैसे दें। वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ भी मटेरियल्स नहीं है तो मैं जुगाड़ करके करने वाली हूँ। तो कृष्ण जी के तो गेटअप में कृष्ण जी के गेटअप में मोर मुकुट तो रहता ही है, वो उनकी पहचान रहती है एंड बांसुरी तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एंड मेरे को ऐसा कुछ स्टिक टाइप का मिला भी नहीं जिसे मैं कलर्स से एंड पेपर से डेकोरेट करके बांसुरी का फॉर्म दे सकती, तो वो मुझे मिला भी नहीं। तो बस मैं एक क्राफ्ट वाले पेपर जो रहती है वो सबसे मैं मुकुट बनाने की कोशिश करूँगी, तो वो प्रोसेस मैं शेयर करूँगी। तो आप देखिए आगे एंड बस शुरू कर लेते हैं प्रोसेस। चीनी लाइक वो जो न्यूज़ वगैरह पे दिखाता है ना, मोनो एक्शन जो रहता है, मोनो एक्शन रहता है जिसमें कोई न्यूज़ रीडर रहता है वो न्यूज़ पढ़ता रहता है एंड एक्शन से एक डेफ एंड डम पर्सन रहता है वो एक्ट करके बताता है। तो चीनी भी ऐसा ही कुछ कर रही है मुझे लग रहा है। कृष्ण जी की गेटअप के लिए मुकुट तो बहुत जरूरी है। तो बस शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सो गाइस ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर पे अवेलेबल चीज़ों से ये बनाना है, तो ये क्राफ्ट वाले पेपर्स मेरे पास रखे थे घर में, कलर्ड पेपर्स हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो कलर्ड क्राफ्ट पेपर ज़रूर होगा तो उसे आप ले सकते हैं एंड ये गोल्डन पेपर है, इसे मैंने एक हार्ड शीट में स्टिक कर दिया फेविकॉल की हेल्प से एंड रख दिया इसे अलग में। एंड पहले मोर पंख बना लेते हैं, तो इसके लिए मैंने ग्रीन शीट, ब्लू शीट एंड ऑरेंज शीट लिए। देखिए आप ऐसे कट करके मोर पंख का शेप देंगे उसे। तो मैंने पहले ग्रीन शीट ली है सबसे बड़े साइज़ की, आपने जैसे देखा 3 पेपर्स को अटैच करना है तो ग्रीन पेपर पहले मैंने लिया एंड इसमें लीफ का शेप पहले ऐसे फोल्ड कर लिया मैंने एंड उसके बाद लीफ का शेप देते हुए ऐसे कट करना है, पेंसिल से उसे ट्रेस कर लें एंड उसके बाद अब अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं एंड उसे कट कर लें तो एकदम प्रॉपर लीफ का शेप ऐसे निकलेगा। एंड ये तो हो गया कि एक ग्रीन शीट एंड उसके बाद ऑरेंज शीट है, तो ऑरेंज वाली पेपर में थोड़े छोटे साइज़ का क्योंकि उसके अंदर उसे स्टिक करना है, तो ग्रीन पेपर से थोड़ा छोटा साइज़ का ऑरेंज पेपर का लीफ काटेंगे।
आई होप आप समझ रहे हैं, आपको वो जो सामने रखा है मोरपंख इसे देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमें सबसे छोटे साइज़ का ब्लू पेपर का लीफ का शेप काटना है, देन उससे थोड़ा बड़ा ऑरेंज पेपर का काटना है, एंड उससे थोड़ा बड़ा सबसे बड़ा ग्रीन वाला काटना है, एंड उसे एक के ऊपर एक रखते हुए ऐसे अटैच कर लेना है फेविकॉल के हेल्प से। एंड साइड में आप देख सकते हैं मैंने स्लांट लाइन में ऐसे थोड़े से ट्रेस लाइक मार्किंग कर ली, एंड उसके बाद सीजर से उसे हल्का हल्का सा कट कर दिया ऐसे ही, देखिए आप। तो ये फैदर्स का लुक देने के लिए मैंने हल्का हल्का कट कर लिया, तीनों पेपर्स में ऐसे ही करना है जिससे ये मोर पंख का इफ़ेक्ट आएगा। एंड बस ये मोर पंख रेडी हो गया है, बहुत ही ईजी है ये। आप चाहें तो और थोड़ा बड़ा भी साइज़ रख सकते हैं इसका, या फिर आप चाहें तो लेयरिंग और ज़्यादा कर सकते हैं आप, और जो डार्क पर्पल कलर का पेपर एक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे देखिए आपस में ऐसे अटैच कर लेना है फेविकॉल की हेल्प से, एंड साइड में रखना है। एंड अभी ये जो पेपर हमने रखा था स्टिक करने, तो ये ड्राई हो गया है, तो इसे अभी हम ऐसे क्राउन का शेप देंगे, कृष्ण जी के मुकुट का शेप देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हार्ड शीट में मैंने स्टिक करा था, तो फिर बैक साइड में मैंने एक दोनों साइड देखिए ऐसे छोटी छोटी लाइन खींची। एंड अगर आपका बच्चा भी 5 ईयर्स का है तो इतना बड़ा साइज़ आपके लिए सफिशिएंट होगा, नहीं तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने बच्चे के हेड के साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं चौड़ा एंड उसकी विड्थ एंड लेंथ भी। तो बस इसे फिर सिंपली कट कर लें, तो ऐसा क्राउन वाला बन के रेडी हो जाएगा शीट, देखिए ये ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने रेड कलर की एक लेस ली है, तो इस लेस को सिंपली फेविकॉल की हेल्प से इसमें स्टिक कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस भी यूज़ कर सकते हैं, और फेविकॉल से लेस स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप चाहें तो ग्लू गन की भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैंने फेविकॉल से स्टिक कर दिया एंड थोड़ी देर उसे ड्राई करने रख दिया, तो वो ईजिली स्टिक हो गया था। एंड मेरे पास ये थोड़े से मिरर टाइप के थे, आप देख सकते हैं प्लास्टिक मिरर जो रहते हैं वो मैंने यूज़ किया, एंड एक गोटा पत्ती वाला लेस था वो भी मैं यूज़ करूँगी, आगे बताऊँगी आपको कैसे यूज़ करना है। तो अभी ये मोर पंख में मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लिया एंड देखिए आप ये मुकुट के ऊपर ऐसे स्टिक कर दिया, तो ये मोर मुकुट बन गया है, कृष्ण जी जो पहनते हैं वही वाली मुकुट। बहुत ईजी वे में बना सकते हैं आप, एंड आपके पास क्राफ्ट की ज़्यादा चीज़ें लाइक डेकोरेटिव चीज़ें ज़्यादा है घर पे, तो आप इसे और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड देखिए अभी मैं फेविकॉल से लीफ का शेप देते हुए उसमें थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी फेविकॉल, एंड मैंने उसके बाद लिया है थोड़े से लूज़ ग्लिटर्स जो रहते हैं स्प्रिंकल करने वाले आते हैं, ये मिल जाएंगे आपको इजीली किसी भी शॉप में, जो क्राफ्ट वाली चीज़ें मिलती है वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, स्टेशनरी में भी मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे पैकेट मैंने लिए एंड उसे थोड़ा सा कट कर लिया, एंड ये बेड के ऊपर गिर जाएगा इसलिए मैं नीचे फ्लोर पे बैठ के मैंने लिया है ग्रीन गोल्डन एंड ब्लू कलर के ग्लिटर्स, तो उसे मैं थोड़े से फेविकॉल लगा के जैसे आपको दिखाया उसके ऊपर मैं डस्ट करूँगी, इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, हल्का सा जिससे थोड़ा सा उसमें शाइनिंग आ जाएगा। एंड ये थोड़ा सा ब्लू ग्लिटर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा गोल्डन भी डस्ट कर दूँगी, एंड इसे हल्का सा डैब करके जो एक्स्ट्रा है उसे आप डस्ट ऑफ कर लें, एंड बस ये सुंदर सा रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास और ज़्यादा ग्लिटरी चीज़ें हैं तो आप और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, आप अपने अकॉर्डिंग इसे और ज़्यादा डेकोरेट, या अगर आपके पास कम है चीज़ें अवेलेबल तो आप कम डेकोरेट भी कर सकते हैं। बस देखिए ये रेडी हो गया है, आप लेस को अच्छे से ड्राई करने के लिए रखें, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा। लेस ड्राई होने के बाद आप ये सब प्रोसेस करें। एंड देखिए ये जो पेपर वाली जो प्लास्टिक वाली मिरर थी मेरे पास, तो उसे भी मैं स्टिक कर लूँगी इसमें, जिससे थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा जैसे मुकुट पे रत्न लगे हुए हैं। तो बस मैं रैंडमली कहीं पे भी फेविकॉल के ऐसे डॉट्स बना लूँगी, एंड मेरे पास 9 to 10 मिरर्स थे, तो बस मैं उसे अप्लाई कर लूँगी, स्टिक कर लूँगी। कलरफुल है ये, तो बहुत कलरफुल लुक आएगा, देखिए इसमें मैं चीनी की हेल्प ले रही हूँ, तो आप भी अपने बच्चे की ऐसे हेल्प ले सकते हैं, देखिए ये चीनी स्टिक कर रही है। तो
तो आप जब भी क्राफ्ट की कोई चीज़ें करने बैठें तो बच्चों की हेल्प ले लीजिए, उसमें तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड उनकी भी क्रिएटिविटी बढ़ती है एंड बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होकर करते हैं क्राफ्ट वाली चीज़ें। तो जो कटिंग का प्रोसेस है वो मैं चीनी को इतना ज़्यादा करने नहीं देती, बट अभी चीनी बड़ी हो गई है तो मैं उसे दे देती हूँ करने। चीकू को नहीं देती मैं करने क्योंकि सेफ़ नहीं है अभी एंड वो इतने नीटली कट भी नहीं पाता, बट स्टिक करने वाली चीज़ें मैं चीनी एंड चीकू दोनों को दे देती हूँ तो वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं एक्टिविटी में एंड बहुत मज़ा आता है उन लोग को, बहुत खुश होके करते हैं वो लोग। तो बस देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट कलरफुल रत्न लगे हुए हैं मुकुट पे। तो बस ये हो गया है, बन गया है मुकुट एंड इसे बांधने की डोरी अभी लगानी पड़ेगी। एंड आप ये जो अभी मिरर लगा रहे हैं इसे भी थोड़ा सा ड्राई होने दें, क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं होगा तो आप जब मुकुट पहनेंगे या बच्चे को पहनाएंगे तो फिर वो निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसे 5 मिनट का टाइम दें जिससे वो स्टिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए ये ऐसा लग रहा है एंड अभी इसे बांधने का प्रोसेस दिखाती हूँ मैं, क्योंकि इसे सिर के ऊपर बांधना है। तो ये गोटा पत्ती का लेस मैंने जो लिया था छोटा सा ही लिया है, बच्चों के हेड के हिसाब से आप लें। एंड इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड उसके बाद बैक साइड पे देखिए आप सेलो टेप की हेल्प से 3-4 सेलो टेप लगा दिया था मैंने ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, नहीं तो फिर निकल जाता है, वो हैवी हो जाता है तो फिर निकल जाता है, इसलिए मैं अच्छे से स्टिक कर रही हूँ उसे सेलो टेप की हेल्प से। देखिए बस सिंपली इस गोटा पत्ती को ऐसे रखना है एंड सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर लेना है अच्छे से। एंड बाद में फिर मैंने और ज़्यादा अच्छे से उसे स्टिक करने के लिए स्टेपलर से स्टेपल भी कर दिया था, बट पहले मैं दोनों साइड सेलो टेप से अच्छे से स्टिक कर रही हूँ एंड उसके बाद इसकी नीड नहीं थी स्टेपलर यूज़ करने की, बट मैंने कर लिया क्योंकि आप अगर रेडीमेड क्राउन देखेंगे मुकुट जो मिलता है उसमें भी स्टेपलर से स्टेपल किया हुआ रहता है। तो बस ये हो गया एक साइड एंड दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस कर लेना है। एंड ये वीडियो देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही होगी एंड अच्छी लगी है अभी तक तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी, आई रियली डू अ वेरी हार्ड वर्क, प्लीज़ अप्रिशिएट इट। एंड आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं एंड आगे मैं आप शेयर भी करूँगी कि जन्माष्टमी में बच्चों को कैसे रेडी कर सकते हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिया है ये मुकुट मेकिंग एंड बच्चे का गेटअप भी कृष्ण जी का, क्योंकि फिर अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड आप ये DIY करके बना सकते हैं तो बहुत इजी रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लिया है इसे। एंड देखिए अब मैं स्टेपल भी कर ले रही हूँ, मैंने 3 पिन्स लगा दिए थे 1 साइड एंड दूसरे साइड भी 3 पिन्स लगा दिए थे जिससे ये एकदम स्टेबल हो गया है, क्योंकि फिर इसकी डोरी निकलने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए अभी एकदम मजबूत हो गया है। तो बस अभी रेडी है। DIY चीज़ों की बात ही अलग रहती है, मैंने जब खुद उसे रेडी करके ऐसे पहनाया तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी मेरे पास कोई भी मटेरियल्स नहीं है मैं उसे कैसे रेडी कर पाऊँगी, बट फाइनली बन गया ये। एंड ये देखिए इससे आप टाई अप कर सकते हैं, ये है इसका फाइनल लुक। हेलो गाइस, चिकु दे दो, टूट जाएगा बेटा। सो ये कृष्णा जी बनने का है। यस, माला। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये मुकुट कैसे बना सकते हैं, तो ये मेरा रेडी हो गया है एंड मेरे पास घर पे अवेलेबल चीज़ों में ये था एक दुपट्टा जिससे मैं धोती बनाने की कोशिश करूंगी एंड ये एक छोटा शॉर्ट दुपट्टा है जो गले में डालते हैं उस टाइप का। ये गले में डालने का नहीं है, ये माथे में बांधने का है। तो उसे मैं माथे पे ऐसे लगाऊंगी, क्योंकि देखती हूँ मैं क्या करती हूँ बताती हूँ। एंड ये है एक दुपट्टा, इसे मैं ऐसे शोल्डर पे डालूंगी एंड थोड़े बहुत, मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं है यहाँ पे, तो बस मैं जुगाड़ करके ही दिखाने वाली हूँ आपको, जब भी इंसर्ट कर दूंगी आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को कैसे रेडी कर सकते हैं जन्माष्टमी पे, कृष्ण का गेटअप कैसे दे सकते हैं, बॉय को भी आप दे सकते हैं गर्ल को भी दे सकते हैं। तो मेरा बेटा तो 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो उसे मैं जैसे रेडी करती हूँ तो वो मैं शेयर कर दूंगी। अभी तो मैं सिर्फ आप लोग को ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे गेटअप दे सकते हैं।
यस बेटा मैं 4 नहीं 5 हूँ। ओके, मैंने गलती से बोल दिया था बेटा, मेरा बेटा 5 इयर्स का है। तो मैंने अभी वही बता रही हूँ आपको कि जुगाड़ से कैसे रेडी कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें हो गई, ये मैं उसको माला पहना दूँगी, तो बस रेडी करना शुरू करते हैं। चिकू आ जाओ। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरे पास एक ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसे, पूरा रेड भी नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का दुपट्टा था, एंड ये थोड़ा सा शाइनी मटेरियल है सिल्क टाइप का, तो इसकी मैं धोती बना रही हूँ। तो देखिए आप, ये मैंने ऐसे पूरे पीछे बैक से घुमा के लाया, एंड एक हाथ के जैसे कपड़ा यहाँ एक साइड से छोड़ा, एंड दूसरे साइड से भी दोनों साइड से कपड़े लेकर, आई होप आप समझ रहे हैं, आप वीडियो को देखिए तब आपको आ जाएगा समझ में। तो मैंने एक एंड पे एक हाथ का छोड़ दिया कपड़ा, देखिए, एंड पीछे से घुमाते हुए नॉट लगा लिया फ्रंट में, अच्छे से टाइट लगाइए, आप चाहें तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद जो छोड़ा हुआ था कपड़ा सामने, तो उसे मैंने टांगों के अंदर से ऐसे डालते हुए घुसाते हुए दूसरे साइड निकाल लिया है, एंड पीछे साइड मैंने हल्के से प्लेट्स बनाने की कोशिश करी है। तो ये दुपट्टा है, प्रॉपर धोती रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा से बनेगा, बट ये दुपट्टा भी अच्छा था बच्चों के लिए, तो दुपट्टे से अच्छा बन जाता है, ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत नहीं है एंड विड्थ की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसे पीछे मैंने टक इन कर लिया, एंड उसके बाद बच्चे को टर्न करके फिर दूसरे साइड से जो कपड़ा बचा हुआ था उसे भी पैरों के बीच से ऐसे डालते हुए पीछे साइड निकाल लेना है, एंड जो बचे हुए हैं कपड़े उसे भी मैंने सिंपली प्लीट्स बना लिया। बस देखिए ऐसे सामने से ऐसे पकड़ के प्लीट्स बना लिया मैंने, एंड इसे भी टक इन कर लूँगी, तो जिससे ये फ्रंट पे नॉट बना हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, एंड एक प्लीट वाला इफ़ेक्ट भी आ जाएगा सामने से, तो अच्छा लगता है। एंड दुपट्टा ट्रांसपेरेंट रहता है तो बच्चों को अंदर ज़रूर एक शॉर्ट्स या फिर कोई पैंट ऐसी जो बाहर दिखे नहीं ऐसी पहनाए, क्योंकि दुपट्टा या धोती कुछ भी ऐसा लेंगे आप तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है। देखिए अब मैंने सामने इधर टक कर लिया, एंड उसके बाद थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ, एंड ये जो पीछे टक किया हुआ था उसे मैं एक बार फिर से निकाल रही हूँ, एंड थोड़ा सा अच्छे से फिनिशिंग देते हुए उसे फिर से वापस टक कर लूँगी। एंड आप चाहें तो अगेन यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वो एकदम सिक्योर हो जाता है, निकलने का डर नहीं रहता, एंड बच्चों के साथ तो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, अच्छे से सिक्योर करके कपड़े पहनाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे खेलते हैं एंड मस्ती करते हैं तो फिर कपड़े निकाल विकाल देते हैं अपने। तो बस ये देखिए सिंपल सी धोती पहना दी थी मैंने इसे, एंड अभी टॉप पे मैं कुछ पहनाने के लिए मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि सिर्फ एक दुपट्टे से ही उसे कवर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कुर्ता रहे तो आप वो भी पहना सकते हैं एथनिक, तो अगर आपके पास कोई एथनिक कुर्ता है तो आप वो भी पहना सकते हैं, बट मैंने सिंपली ऐसे दुपट्टा अटैच कर दिया था एंड नेक पे डाल दिया था, एंड इसमें जैसे आप देख सकते हैं दुपट्टे के एंड पे थोड़े से वर्क बने हुए थे जरी के, तो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये दुपट्टा यूज़ किया, एंड ये धोती के साथ मैच भी हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर गेटअप आ रहा था। एंड इसे मैं पहले ऐसे ही रखने का सोच रही थी, बट फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि दुपट्टा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा बच्चों को, तो फिर इसलिए मैं इसे दोनों साइड से हल्के से प्लेट्स बना के बच्चे के धोती में सेफ्टी पिन से अटैच कर ले रही हूँ, जिससे वो सिक्योर हो जाएगा, एंड एक साइड करके दूसरे साइड भी ऐसे ही अटैच कर लेना है सेफ्टी पिन। एंड आप चाहें तो दुपट्टे को क्रॉस करके भी बना सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा लगता है, लाइक चेस्ट जो होता है रहता है वो कवर भी हो जाता है एंड अच्छा लुक आता है, तो बस इसलिए मैंने ऐसे किया एंड ये सिक्योर कर लिया। बहुत ज़्यादा नीटली नहीं करना है, क्योंकि फिर वो एकदम बंधा हुआ लगता है दुपट्टा, तो फिर नेचुरल लुक नहीं आता, उसका फॉल नहीं आता अच्छा, इसलिए मैं एकदम हल्का सा उसे टक पिनअप कर रही हूँ। अंदर साइड से सेफ्टी पिन अटैच करें, जिससे वो बाहर विजिबल नहीं होगा। एंड आप देखिए ये मोती की माला मेरे पास थी, तो ये पहना दिया मैंने, मम्मी से लेकर ही पहना है क्योंकि मैं यहाँ लेकर नहीं आई थी,
एंड बाद में मम्मी ने मुझे एक और मोती की माला दी, तो वो भी मैंने पहना दी थी। एंड अभी जो DIY करके मुकुट मैंने बनाया तो उसे भी मैं पहना रही हूँ। देखिए लुक बिल्कुल चेंज हो गया मुकुट पहनने के बाद, मोर मुकुट पहनने के बाद। खाना जी का गेटअप रेडी हो गया है एंड ये देखिए चीकू कितना खुश हो गया है। एंड मैं लास्ट ईयर की पिक्चर भी इंसर्ट कर दूँगी इसमें, आप देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जब मेरे घर पे मैं थी तब मैंने शूट किया था उसे, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक हाथ में जो आलता लगाते हैं वो, एंड कुमकुम से भी मैंने बहुत ज़्यादा चेहरे पे डेकोरेट कर दिया था, एंड प्रॉपर गेटअप था, तो मैं वो वीडियो भी वो गेटअप भी मैं शेयर कर दूँगी, तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। एंड ये देखिए चीकू कितना खुश हो गया था, वो नाच रहा था, गा रहा था एंड भजन कर रहा था वो। सो ये मेरे पास सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर, तो अब मैं इसी से काम चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुमकुम भी अवेलेबल नहीं है एंड बाहर जाके लेकर आने का टाइम भी नहीं था मार्केट से, एंड मेरे पास वहाँ पे रखे हुए हैं सब सामान, तो फिर मैंने इसलिए डबल ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो देखिए सिंपली मैंने ऐसे तिलक जैसा बनाया, थोड़े बड़े साइज़ का, देखिए बिल्कुल गेटअप चेंज हो जाता है तिलक लगने के बाद। एंड नीचे एक और डॉट बना लिया, एंड रेड एंड वाइट कुमकुम जो रहते हैं उसे मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सुंदर से बना सकते हैं चेहरे पे तिलक वगैरह, तो मैं वो आपको पिक्चर दिखाऊंगी जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। तो बस ये देखिए सिंपल सा गेटअप है, मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, आप चाहें तो लिपस्टिक वगैरह लगा सकते हैं या ब्लशर भी लगा सकते हैं, अच्छे लगते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एकदम सिंपल रखा था मैंने। एंड कमर पे मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो फिर मैं ये एक और मेरे पास था दुपट्टा, तो इसे मैं कमर पे अच्छे से चारों तरफ से घुमा ले रही हूँ। एंड आप कृष्ण जी की पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें इस टाइप का कुछ बंधा हुआ सा भी रहता है, तो बस इसलिए मैंने बांध लिया, मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया, नहीं तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। एंड बस ये गेटअप कम्प्लीट होने में आ गया है। एंड बांसुरी भी मेरे पास नहीं थी, बट मम्मी से फिर मैंने पूछा तो मम्मी के पास एक रखी हुई थी बांसुरी, जो किसी पूजा में जाने पे, रासलीला वगैरह पे, कहीं पे जाने पे मिलती है, उस टाइप की थी, तो फिर मैंने उसे यूज़ कर लिया। एंड ये मोरपंख, तो मोर मुकुट जो रहती है मोरपंख के बिना तो अधूरा है, तो मैंने ये ओरिजिनल मोरपंख भी लगा दिया जिससे थोड़ा सा अच्छा लुक आए। एंड ये है पूरा कम्प्लीट गेटअप, देखिए अच्छी को बहुत खुश हो गया था। अब चाहे तो मोर मुकुट जो लगाए हैं, मोर पंख मुकुट में जो अटैच किया है उसमें भी आप सेलो टेप लगा सकते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो। एंड चीकू तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अपने ब्लॉग्स में ही बताया था कि कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानता है वो, उनका भक्त है, तो वो अपने आप को कृष्ण भगवान की तरह ही समझ रहा था। एंड आप ये देखिए कितने कम चीज़ों के साथ एंड कितना ईजीली एंड एफर्टलेस गेटअप रेडी हो गया है। एंड ये देखिए चीकू प्रॉपर कृष्णा जी का गेटअप में, एंड बांसुरी भी ले लिया है उसने। एंड ये देखिए डांस कर रहा है वो, रासलीला कर रहा है कृष्णा जी की तरह। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड चीकू कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मैं कुछ पहले की पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ, जैसे एक बार मैंने चीकू का ऐसे रेडी किया था, एंड लास्ट ईयर मैंने उसे ऐसे रेडी किया था, देखिए वाइट एंड रेड कुमकुम से एंड प्रॉपर गेटअप दिया था, ये तो मेरा फेवरेट लुक है, तो ये मैं शेयर करके बताऊंगी कभी। सो गाइस आपने देखा मैंने चीकू का, यस देखो आपने देखा चीकू का मैंने कितने कम चीज़ों के साथ कृष्णा का गेटअप दिया। एंड ये हैंडमेड मुकुट है, एंड ये मोरपंख, एंड घर पर अवेलेबल माला एंड दुपट्टा, एंड ये बांसुरी भी घर में रखी थी, मेरे पास थी कृष्ण जी की। सो बस ये सब चीज़ें घर पे अवेलेबल चीज़ों से गेटअप दिया है मैंने इसे तथास्त। एंड चीकू का डांस भी आपको अच्छा लगा होगा एंड उसका गेटअप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा।
सो मैं इस व्लॉग पर यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी चीनी का जो मराठी गेटअप रहेगा वो, एंड उसका डांस भी शेयर करूँगी मैं। मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर सकती कॉपीराइट के वजह से, बट मैं उसका डांस आपको दिखाऊँगी एंड उसका गेटअप भी दिखाऊँगी एंड साड़ी वगैरह ऑल चीज़ मैं शेयर करूँगी। तो आप नेक्स्ट व्लॉग को भी देखना मत भूलिएगा एंड इस व्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय। सो गाइज़ मैंने पहले की पिक्चर्स भी शेयर करें आइडियाज़ के लिए, आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। बाय।